हेलो गाइस, मैं हूं मंदीप सिंह और आप सभी को मेरे चैनल मंदीप फिटनेस पर स्वागत है। बहुत दिन बाद आया हूं आफ्टर 4 मंथ्स। तो आज मैं करने वाला हूं, एक्चुअली मैं इंजर्ड था, तो इंजर्ड के बाद आज से मैं फिर से वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज करने वाला हूं चेस्ट वर्कआउट और मेरे साथ देने वाला है, यानी कि मेरे साथ करने वाला है विजय और सागर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मैं चेस्ट का पहला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, बेंच प्रेस। ये होगा मेरा पहला सेट, 35 kg के साथ मैं पहला सेट करने वाला हूँ। ये सागर और सागर का ये सेकंड सेट है, देखता हूँ कितना रिपीटेशन लगा पाता है। और 3, चलो 2 मोर, लास्ट 1, कम ऑन, बढ़िया बढ़िया। कितना रिपीटेशन हुआ? 13। तो सागर ने लगाया टोटल 30 रिपीटेशन। ये विजय, अभी इसका नेक्स्ट। तो ये होगा मेरा बेंच प्रेस का लास्ट एंड फाइनल सेट, यानी कि 3rd सेट में। और ये मैं करने वाला हूँ 80 kg के साथ। बहुत दिन बाद कर रहा हूँ इसीलिए मैं 80 से और ज़्यादा लेके नहीं जाऊँगा, तो देखता हूँ कितना रिपीटेशन लगा सकता हूँ। रिपीटेशन रहा। इसके बाद मैं करने वाला हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस, नहीं तो इंक्लाइन बैरबेल प्रेस करूँगा, इसके बाद उसके बाद डिक्लाइन प्रेस। तो चेस्ट का सेकेंड एक्सरसाइज इंक्लाइन बैरबेल प्रेस का 3rd सेट, यानी ये फाइनल सेट है मेरा। 60 kg के साथ लगाने वाला हूँ, देखता हूँ कितना रिपीटेशन जाता है। रिपीटेशन रहा, इसके बाद लगाऊंगा 3rd एक्सरसाइज डिक्लाइन बारबेल प्रेस। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं हर सेट नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये भी अभी मैं करने वाला हूँ डिक्लाइन बारबेल प्रेस का लास्ट सेट 80 kg के साथ। तो डिक्लाइन बारबेल प्रेस में था ये लास्ट सेट, तो 11 रिपीटेशन रहा। अब करने वाला हूँ पेक डेक फ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई। अभी हम लोग करेंगे बटरफ्लाई, अभी सागर कर रहा है। ये पहला सेट है या सेकेंड सेट? सेकेंड सेट। लास्ट सेट करने वाला हूँ बटरफ्लाई का। ये 4th नंबर इसमें और ये है लास्ट सेट।
आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों को कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग मिलता रहेगा। वर्कआउट करने के बाद अभी सागर थोड़ा एब्स कर रहा है, एब्स के लिए अभी से कंटिन्यू आप लोगों को ब्लॉग मिलता रहेगा। तो चैनल को फिर से वॉच कीजिए कंटिन्यू, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। हाँ ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।